हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज वेंसडे, तो निफ्टी में देखिए तो शार्प रिकवरी है। एग्जैक्टली अपना लेवल 19,300 का, 320 का टू पी प्रिसाइज हम लोग जो लेवल मार्क किया है, तो वही लेवल से अब बाउंस बैक देखने को मिला है। एक्चुअली अपना मार्केट में तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अपना इन्फ्लेशन का रेट कम नहीं हो रहा है, जैसे कि गवर्नर का बयान है, और उसके बावजूद भी मार्केट में एक बाउंस देखने को मिला है। और एक खतरा है अपना क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का बढ़ना और रुपीज़ का वीक होना, वो बैंक निफ्टी में क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी रिकवरी तो हो गया, लेकिन निफ्टी तो ठीक है, फिर भी अच्छा खासा रिकवरी फ्रॉम डे लो तो रिकवरी देखने को मिला है। और ये एक्सपायरी ए रेंज में रहेगा, 19,300 अगर ब्रेक करता है तो 19,200 टू 180 के आसपास जा सकता है। तो अगर एक उम्मीद है कि यही रेंज में रहेगा, 400 टू 200 के रेंज में। और बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, क्योंकि जैसे कि मैं बताया, रुपीज़ का वीक होना और क्रूड ऑयल का बढ़ना एक दो मेन रीज़न है अपना बैंक निफ्टी का में सेल ऑफ देखने को मिला है। तो ये ना HDFC बैंक काफ़ी वीक है। HDFC बैंक देख लीजिए, अभी 1600 का लेवल पे आ गया, तो 1700 में था, अभी 1600 का लेवल पे आ गया। तो ICICI भी वीक है और एक्सिस भी वीक है, तो ये मेजर बैंक में तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है इसके चलते, क्योंकि प्रेशर में ग्लोबल मार्केट के चलते। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो चलता रहा, अपना शानदार चल रहा है। जैसे कि हम लोग वेस्ट कोस्ट पेपर, जैसे कि आपको पता ही है, अपना फ्राइडे को कॉल दिए थे अराउंड ये लेवल पे, ब्रेकआउट लेवल पे, तो ये शानदार आज लगभग 7% का रिटर्न देखने को मिला है। और वेस्ट कोस्ट हो गया, और अपना सातिया इंडस्ट्रीज़ भी अभी चल रहा है अच्छा खासा, तो अभी भी बुलिश है, एकदम बुलिश कैंडल बना हुआ है आज, तो मोमेंटम आज मिला उसको एक दिन के पॉज के बाद। इंडियन ओवरसीज़ बैंक एक ब्रेकआउट लेवल में हम लोग आइडेंटिफाई किए थे, तो आज 7.5% का रिटर्न दे दिया एक, मतलब वेस्ट कोस्ट, ये तो PSU हो गया, और पेपर इंडस्ट्री का जो आप TV में देख रहे हो आज सब रिकमेंड कर रहा है पेपर इंडस्ट्री में, तो हम लोग फ्राइडे का दिन आइडेंटिफाई किए थे वेस्ट कोस्ट पेपर, तो एक शानदार देखने को मिला। और मंडे का दिन एक स्टॉक हम लोग ये किए थे, सिम्प्लेक्स इंफ्रा, वो भी एक शानदार चला आज, मतलब एक डे लो के बाद 50 हम लोग का एंट्री नहीं किया हम लोग, क्योंकि एक अपना रेंज में नहीं था, क्योंकि मतलब बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, जिसको एंट्री मिला तो अच्छा खासा एक 5.5% का एक गेन देखने को मिला है। एक अच्छा कॉल था सिम्प्लेक्स इंफ्रा भी। और वेस्ट कोस्ट हो गया, आयुबी हो गया, और अपना सातिया इंडस्ट्रीज़ में टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन बाकी वेस्ट कोस्ट और IOB में अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, जैसे कि आपको पता ही है। और बाकी तो चल ही रहा है अपना अनंत राज ग्लोबल, वो तो शानदार परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। ट्रेंट लास्ट वीक का कॉल है, वो भी अभी चल रहा है। अभी दूसरा एक स्टॉक पे हम लोग अभी कल के लिए हम लोग एक अच्छा स्टॉक हम लोग आइडेंटिफाई किया है, रेलटेल कॉर्प में क्या है, हम लोग पहले भी इसमें ब्रेकआउट लेवल में हम लोग हमारा रेडार में आए थे, हम लोग कॉल भी किया था, तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट है ब्रेकआउट लेवल में, एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल में रीटेस्ट कैंडिडेट है, तो उसमें अभी एंट्री बनता है, जो अच्छा कन्फर्मेशन है एक्चुअली ये। तो अभी फर्स्ट टारगेट होगा अपने ऑल टाइम हाई इसका अराउंड 183 के आसपास होगा, तो एक आज का लो स्टॉप लॉस होगा इसका, तो आज का लो एक स्टॉप लॉस लगा के तो आप ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। रेलटेल कॉर्पोरेशन, ये मतलब ज़्यादा नया स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो जो है वही है उसमें चल रहा है। जो बाकी तो श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी लास्ट टू लास्ट वीक का था, तो ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, अभी भी मोमेंटम मिल रहा है, तो हर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है जैसे कि अपना एक्सपेक्टेशन है, तो कुछ स्टॉक कभी टाइम लेता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 10-15 दिन का एक लगभग एक महीने का विंडो रख के आप ट्रेड कर सकते हो। और जो एक्शन में जो स्टॉक है, जैसे कि आपको पता ही है, और गार्डन रिच शिप बिल्डिंग है जो एक्शन में, और कोचिन शिप यार्ड और गार्डन रिच, ये दो स्टॉक आज एक्शन में, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत शानदार आ गया। गार्डन रिच शिप यार्ड आप भी मतलब एक काफ़ी 17% 18% काफ़ी हाई लगाया, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एंट्री अभी तो एकदम थोड़ा डर लगता है इसमें एंट्री लेने के, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। सेम गोस टू कोचिन शिप यार्ड, उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो काफ़ी चला है, तो हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। काफ़ी शानदार उसमें प्रॉफिट में जंप देखने मिला क्वार्टर वन रिजल्ट में, तो एक PSU हो गया दोनों, तो PSU में अभी मतलब एक्शन है, काफ़ी PSU अभी चल रहा है अच्छा खासा, तो
ये दोनों में भी आप ये वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, कोचिन और शिपयार्ड और गार्डनर रिच शिपयार्ड। तो यही दो स्टॉक, तीन स्टॉक रहेगा अपना ये हफ्ता या यही महीने के लिए इनफैक्ट। तो आपको इसमें ज़्यादा स्टॉक में अभी इसमें ट्रेड करके मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें अपना कम जितना कम ट्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही है, अपना ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।